भक्तों, आज हम बात करेंगे रावण पहुंचा कैलाश तक क्या हुआ। जय श्री राम। हर हर महादेव। रावण महादेव का परम भक्त था, उससे बड़ा महादेव का भक्त आज तक कोई नहीं हुआ है। वह महादेव के दर्शन करने रोज कैलाश पर जाता और वहां कुछ न कुछ उपद्रव जरूर करता था। रावण महादेव को जब भी देखता था वह महादेव को देख करके खूब हंसता था कि महादेव की एक खोपड़ी है, मेरा तो 10 खोपड़ी है, मैं तो महादेव से भी बड़ा बुद्धिमान हूँ। यह व्यवहार जब जब महादेव को देखता था ऐसा ही करता था, महादेव मुस्कुरा कर रह जाते। सभी देवता यह देख करके परेशान कि महादेव का यह हंसी उड़ाता है, फिर भी महादेव उसको दंड क्यों नहीं देते हैं। सभी देवता महादेव से कहने लगे, महादेव, रावण आपका हमेशा हंसी उड़ाता है, फिर भी आप हंस करके रह जाते हैं, आप समर्थवान हैं, रावण को दंड क्यों नहीं देते। महादेव मुस्कुरा करके हंस करके देवताओं को समझाया, रावण मेरा प्रिय भक्त है और वह विद्वान, ज्ञानी, शक्तिशाली है, वह अपने को हमसे भी ज्यादा बुद्धिमान मानता है, इसी से हंसता है, इसमें दंड देने की बात ही क्या है, फिर भी आप लोग के बात पर सोचूंगा। पार्वती भी रावण के व्यवहार से दुखी रहती थी। वह महादेव से हमेशा बोलती थी कि हे महादेव, आप रावण को कैलाश पर आने से मना कर दीजिए, नहीं तो मैं श्राप दे करके उसे भस्म कर दूंगी। महादेव रावण को वरदान दिए थे कि कभी भी तुम कैलाश पर आ सकते हो, इसी बात का लाभ उठाता था वह। एक दिन रावण कैलाश पर्वत के यहाँ आकर के कैलाश को उठाने लगा। उस समय महादेव पार्वती कैलाश पर एक साथ बैठे थे, तभी कैलाश हिलने लगा। पार्वती कैलाश हिलता देख करके महादेव से बोली, प्रभु, यह क्या हो रहा है, क्या भूकंप आया है। यह बात सुनकर के महादेव बोले, पार्वती, कोई भूकंप नहीं आया है, मेरा चेला रावण आया है, यह कैलाश के नीचे से मुझे प्रणाम करके अपने आने का संकेत दे रहा है। यह सुनकर के पार्वती बोली, यह कौन सा प्रणाम करने का तरीका है, आप उसे दंड क्यों नहीं देते, वह जब जब कैलाश आता है कुछ उल्टा ऐसा ही जरूर करता है। महादेव पार्वती को समझाते हुए बोले, पार्वती, शांत रहो, आगे देख क्या क्या होता है। रावण फिर कैलाश को और जोर से उठाया और कैलाश हिलने लगा। महादेव के मन में एक कौतूहल सूझा। महादेव ने अपने पैर के अंगूठे से कैलाश को दबाया और रावण का हाथ कैलाश में दब गया। बहुत कोशिश करने पर भी जब रावण का हाथ नहीं निकला तब वह जोर जोर से महादेव को चिल्लाने लगा। फिर भी महादेव जब तक उसकी सहायता नहीं की तब तक वह दुख के पीड़ा सहते हुए भी शिव तांडव का रचना कर दिया। यह स्तुति सुनकर के महादेव प्रसन्न होकर के उसके पास आए एवं उसके सारे कष्ट दूर किए और रावण के लिए फिर वरदान स्वरूप चंद्रहास तलवार विश्व विजयी दिए। तब से रावण महादेव को देख करके हंसना भूल गया। इसी कहानी से भक्तों शिक्षा यह मिलती है कि शिष्य चाहे कि जितनी भी ऊंचाई पर पहुंच जाए लेकिन गुरु से आगे अपने को न सोचे, क्योंकि गुरु की कृपा से ही शिष्य जीवन में सफलता पाता है। गुरु का आशीर्वाद सर्वोपरि है, गुरु का इज्जत कदर करें। कहा गया है कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम तस्य गुरुवे नमः। भक्तों, आज इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद। जय श्री सीताराम।